22 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, पूरे देश में हलचल है चुनाव के बारे में। एक तरफ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के चुनाव, दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूरे देश में हलचल भी है, पर एक मैसेज भी गया कि राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें एक संदेश क्या है। संदेश वो है जो देश के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, भविष्य से जुड़ा हुआ है, प्यार मोहब्बत भाईचारा सद्भावना का माहौल बने देश के अंदर, सब मिलके रहे देश के अंदर, देशवासी चाहे कोई जाति कोई वर्ग कोई धर्म का हो, ये मैसेज यात्रा का। उसी रूप में चुनाव जो हो रहे हैं, इनर पार्टी डेमोक्रेसी का प्रतीक है चुनाव, ये चुनाव उसका प्रतीक है। कम से कम चुनाव के बहाने दोनों कैंडिडेट अपनी बात कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम के बारे में चर्चा हो रही है, संविधान के अनुरूप भी कांग्रेस के सिद्धांत उनकी नीतियों से कार्यक्रम बनते हैं। 75 साल हो गए देश को, उसी के आधार पर देश चलना है और चलना चाहिए। अब जब से ये सरकार में आए हैं बीजेपी वाले, तब से ये जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं संविधान की, कानून व्यवस्था रहनी चाहिए, कानून को दरकिनार करके जो फैसले हो रहे हैं, जो जेल जा रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर भी कि देशद्रोही हैं, असहमति इनको बर्दाश्त नहीं होती है बीजेपी को, जबकि असहमति आलोचना लोकतंत्र का आभूषण है, आभूषण है, उसके कारण डेमोक्रेसी जिंदा रहती है कि विपक्ष भी हो, पक्ष के साथ विपक्ष भी हो। विपक्ष नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी कैसे होगी, फिर तो फासिस्टी और तानाशाही होगी। इस थीम के साथ में कांग्रेस ने देश को चलाया है, आज भी उनकी नीति वही है। दुर्भाग्य से ये लोग जो सत्ता में आए हैं ये फासिस्ट लोग हैं, फासिस्ट लोग हैं, देश समझ नहीं रहा है। देशवासी में कई लोग जो हैं वो समझ नहीं रहे हैं कि धर्म के नाम पर जाति के नाम पर भड़काना बहुत आसान काम होता है। जैसे आग लगाना बड़ा आसान काम होता है, आग को बुझाने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, संघर्ष करना पड़ता है, वही बात यहाँ लागू होती है। सर, बतौर प्रस्ताव का आपकी अपील को तूल दिया गया खड़गे के पक्ष में जो अपील की गई थी। मैंने कल कहा था उसके बारे में कि मैंने मैं उनके प्रस्ताव बनाऊँ सॉरी अगर मैं प्रस्ताव बनाऊँ तो मैं उनके लिए अपील नहीं करूँगा क्या? कैंपेन करना दूसरी बात है। कैंपेन करने का मतलब है कि आप हर राज्य में जा रहे हो, हर जगह बात कर रहे हो, और मैं अगर मेरे यहाँ राजस्थान में लोगों को कहूँ मैं प्रस्ताव बनाऊँ तो कम से कम इतना मेरा अधिकार होना चाहिए ना, हर प्रस्ताव का अधिकार होना चाहिए कि वो कम से कम अपने कैंडिडेट के बारे में आह्वान करें लोग, इसमें क्या दिक्कत है? वो दिक्कत है। चलो जी, 2017 में आप कांग्रेस को जीत के करीब ले आए थे गुजरात में, 2017 में, आज फिर से आप गुजरात जा रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस गुजरात में कड़ी चुनौती दे पाएगी बीजेपी को 2022 में? 2017 में आप थे वहाँ के प्रभारी। अभी देखिए वो तो परिणाम आए थे मालूम पड़ेगा, पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि गांव-गांव में कांग्रेस वाले साइलेंटली काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इसके मायने आप समझ सकते हो, कांग्रेस बहुत मजबूत है गाँव के अंदर। शहरों में जरूर कांग्रेस की स्थिति वो नहीं थी जो पहले थी, उसके लिए पूरी कांग्रेस संघर्ष कर रही है। तो आप पार्टी जो जिस रूप में असत्य बोलने का रिकॉर्ड बना रही है, केजरीवाल झूठे वादे कर रहे हैं दिल्ली के उदाहरण देकर के, इससे मुझे बहुत दुख है कि एक नई पार्टी जो एंटर करना चाहती है वो अधिकार है किसी का भी डेमोक्रेसी के अंदर, तो केजरीवाल जिस भाषा में बात करते हैं, जिस बॉडी लैंग्वेज को सामने रख के बात कर रहे हैं, पूरा मीडिया को उन्होंने इम्प्रेस कर रखा है, पता नहीं क्या कारण होगा, तो मीडिया वाले जाने और केजरीवाल जाने। इतना मैं कह सकता हूँ, मीडिया में जितना केजरीवाल आते हैं उसका क्या कारण है, ये भी एक विषय चिंता का विषय बना हुआ है। सर, क्या कारण है कि आप इस प्रकार से एक पार्टी बड़ी पार्टी को एक्स्ट्रा वेटेज दे रहे हो, और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जिसने देश को आज़ाद करवाया, आज राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, कोई कवरेज नहीं मिल रहा है, क्या कारण है उनका? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। मीडिया को धीरे धीरे लोग सुनेंगे, देखेंगे, देख रहे हैं, पर मन में भाव आएंगे कि भाई इनमें कितनी सच्चाई है। ये क्रेडिबिलिटी मीडिया कम नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना, मेरा कमिटमेंट है मीडिया के साथ में।
ये चाहे विजुअल हो, टीवी हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, क्रेडिबिलिटी कम होगी तो नुकसान उनको भी है और देश को भी है। कई तरह की अफवाहें अटकले चल रही है कि गहलोत जी के गांधी परिवार से पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मेरे गांधी परिवार के रिश्ते जो है, विनोद भावे ने कहा था एक बार कि मेरे और गीता माता के संबंध तर्क से परे हैं, तर्क से परे हैं। तो मेरे गांधी परिवार के रिश्ते जो है वो विनोद भावे और गीता माता की जो बातचीत तर्क से परे रिश्ते हैं, वो रिश्ता मेरा और गांधी परिवार का है, था, है और जिंदगी भर रहेगा। सर, कर्नाटक में थे आप, बेलारी में थे, स्टेज आपने शेयर किया, राहुल गांधी जी से जो आपकी बातचीत हुई, क्या लगता है वो फ्रूटफुल रही सर, जो कुछ भी डिस्कशन आपकी हुई? देखिए, वो तो बातचीत, सर कैमरा इधर, बातचीत तो हुई है, बातचीत आगे भी होती रहेगी। जितना आप लोग आशंकाएं व्यक्त करते हो, संदेह व्यक्त करते हो, चिंता करते हो, मेरी बड़ी आपकी मेहरबानी है प्रेस वालों की, बड़ी बड़ी बहुत चिंता करते रहते हो, पता नहीं आगे क्या होगा, गांधी परिवार रिश्ते कैसे रहेंगे, तो मैंने उसके जवाब दे दिया आपको। 19 तारीख के बाद को लेकर बहुत सारी चर्चा है, 19 के बाद में मेरे रिश्ते गांधी परिवार से वही रहेंगे जो पिछले 50 साल से रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। सर, बार बार उदयपुर डिक्लेरेशन की बात होती है, आपने भी कहा कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत जो है वो कायम रहेगा, क्या लगता है राजस्थान की राजनीति जिस तरह से पशुपेश में पड़ गई थी, आपने भी देखा? ये जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब चुनाव जीतेंगे तो वही जवाब देंगे आपके पास।